हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल निकिता पब्लिक ऑफिशियल। कैसे आप सब? बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग तो ब्लॉग देख ही रहे होंगे कि मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे। तो आज है हमारा अंडमान निकोबार का Day 3 और आज हम निकल रहे हैं यहाँ से हर ब्लॉग के लिए, जो कि बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम फेरी से, जिसका नाम है ग्रीन ओशन, से जा रहे हैं यहाँ से हर ब्लॉग। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि पोर्ट ब्लेयर से हम निकल रहे हैं हैवलॉक आइलैंड के लिए। तो दूरी कुछ 2 से 2.5 घंटे, और वो 2-2.5 घंटे हम फेरी में बैठ के, जो कि एक शिप है, शिप के थ्रू जाएंगे। तो हम लोगों ने प्राइवेट फेरी किया है, क्योंकि गवर्नमेंट फेरी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि टिकट कराने वगैरह में, तो हमें वो नहीं हो पाया, तो हम वो नहीं करा पाए। तो हमने करा लिया प्राइवेट फेरी, जो कि हमने ऑनलाइन ही कराया था। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कि फेरी कैसा है और कितना एक्साइटिंग होने वाला है ये जो 3 घंटे का हमारा ट्रैवल है, क्योंकि मैं पहले कभी नहीं ट्रैवल की फेरी से, तो और शायद मेरे पति देव जी भी ने नहीं किया है। चलिए चलते हैं आगे, बने रहिए इस ब्लॉग में, देखिए कि आज हमारी आप लोग में कितनी सारी मस्ती हुई। तो वैसे हम बैठ गए हैं ऑटो में और हम जा रहे हैं जेटी की ओर, जहाँ मिलेगी हमें फेरी। और वहाँ चलने के बाद देखिए कि वहाँ क्या क्या होता है और कब आती है हमारी फेरी। हमें वहाँ 1 घंटे पहले चेक इन कर लेनी है, तो हम 5 बजे निकल चुके हैं, 6 बजे हमारी फेरी है। तो वैसे यहाँ भी एयरपोर्ट के जैसे ही सिक्योरिटी चेक। तो मैम साहब, आप कहाँ जाना चाहते हैं? ओके, किसका? अपने फ्रेंड का ही वेट कर रहे हैं। हाँ, फेरी का। अच्छा, कैसे जाइएगा आप? फेरी से जाइएगा। ओके, चलिए देखते हैं। मैं मुझे भी लेके चलिएगा क्या? टिकट तो आपके पास है। जो हैट था वो आप लोगों को पता ही है पिछले ब्लॉग में, क्या तो मेरा हैट पहन के चलता है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी फेरी ग्रीन ओशन, और ये एक प्राइवेट फेरी है, हमने इसी में बुकिंग कराई थी। तो हम निकल पड़े हैं अपने फेरी में जाने के लिए, जो कि आ चुकी है। तो गाइस, मैं बता दूं आपको कि फ्लाइट की तरह इसमें भी जो आपका लगेज है वो पहले ही वो कलेक्ट हो जाएगी और आपका अलग रखा हुआ रहेगा, और आपकी सीट है वो अलग होगी, आपको अपना जो भी लगेज है वो अपने साथ कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसमें बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ गवर्नमेंट फेरी में नहीं मिलती। गवर्नमेंट फेरी में अपना जो आपका लगेज जो अपने साथ साथ ही अपने सीट के पास ही रखना पड़ता है, तो थोड़ा सा वो अनईजी फील होता है उसमें। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कि फेरी के अंदर क्या है, कैसे है और कितना मजा आने वाला है। कौन है वो? जाओ, हमको लगता है किसी और के साथ। तो गाइज, इस फेरी का सबसे अच्छा बात ये है कि इसमें ये जो स्पेस है वहाँ पे आप बाहर आके बालकनी की तरफ बाहर का पूरा सी का व्यू देख सकते हैं। आधे घंटे तक आपको अपने सीट पे बैठना ही पड़ता है, उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, डांस, गाना, खाना पीना सब कुछ हो रहा है। अंदर आपको खाना पीना भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत जो स्नैक्स टाइप्स, बट वो बहुत ही महंगा होगा। मैं आपको पहले से ही ये बता देती हूँ कि यहाँ पर जो भी पानी हुआ, खाना हुआ, मैगी हुआ, चिप्स हुआ, जो कुछ भी आप खाओगे वो डबल दाम पे मिलेगा, डबल के ट्रिपल दाम पे मिलता है। तो इस तरह से है, बाकी आपकी मर्जी, आप लेना चाहो या खुद से कैरी करके जाओ।
वो आपके ऊपर है, मैंने आपको बता दिया। तो ये देखिए कितना सुंदर सा व्यू आ रहा है, ऐसा व्यू आप और भी कोई फेरी पे नहीं देख सकते हो, ऐसे बालकनी व्यू मैक्रोज या और भी कोई कोई फेरी है, मुझे उतना नाम नहीं पता, बट मुझे जो भी पता है मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, आप आराम से बालकनी में आके गाना का आनंद उठाते हुए और अपना सी व्यू देख सकते हैं। तो हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, तो चलिए चलते हैं आगे। और अब हम पहुँचने वाले हैं यहाँ पे, देखिए वो जो आइलैंड दिख रहा है वो उससे जस्ट बगल में हमारा आइलैंड है। तो लगभग आधे घंटे और लगेंगे पहुंचने में। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि प्राइवेट फेरी और गवर्नमेंट फेरी में, जो गवर्नमेंट फेरी है वो पहुंचाने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगाता है और प्राइवेट फेरी थोड़ा जल्दी पहुंचा देता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है प्राइवेट फेरी का। बट वही है कि आपको गवर्नमेंट फेरी में जो फेयर चार्जेज हैं वो कम लगेंगे इन कंपेरिजन टू प्राइवेट फेरी, तो आप अपने सुविधा के अनुसार उसमें टिकट करा सकते हैं। बट गवर्नमेंट फेरी में टिकट कराने के लिए आपको 2 दिन पहले ही जेटी में जाके लाइन लग के टिकट कराने होंगे। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं हैवलॉक आइलैंड और अब हम जा रहे हैं बाहर और अपने होटल रूम की तरफ जाएंगे। तो चले चलते हैं आगे, आप इस ब्लॉग में बने रहिए और देखिए कि हम यहाँ से कैसे जाते हैं अपने होटल रूम तक। हमने स्कूटी ले लिया है और अब हम जा रहे हैं अपने होटल रूम की तरफ, देखते हैं वहाँ पे क्या है कैसा है। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, पोर्ट ब्लेयर से भी अच्छा, बट देखते हैं। तो हम पहुंच चुके अपने रिजॉर्ट जिसका नाम है अरब होटल, बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है यहीं से मुझे। तो चलिए चलते हैं आगे, यहाँ पे हम थोड़ी देर एंजॉय करेंगे उसके बाद निकल जाएंगे राधा नगर बीच के लिए, जो कि आपको मिलेगा इस ब्लॉग के बाद में। तो आप ज़रूर उस ब्लॉग को देखना और इससे पहले मैंने जो भी ब्लॉग अपलोड की है वो भी आप देखना, उससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी कि पोर्ट ब्लेयर में हम कहाँ घूमें कैसे घूमें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।